सत्यकाल यूर वाचिंग मी एट पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव हमेशा की तरह और आज मेरे साथ जो यहाँ पर हैं शो में पहले तो है आहान जिनका दिल बिल्कुल सोने का है ये वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं उनकी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव है वो काफी चार्मिंग है और एकदम फिट फिट रहते हैं जब आप उनका सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं। बहुत खूबसूरत बड़ी टैलेंटेड बहुत ही प्यारी आज तो और भी प्यारी लग रही है नम्रता शेठ और जैसे मैंने कहा ना स्माइल के बारे में वरुण की इनकी भी स्माइल कुछ कम नहीं है शी इज वेरी इनोसेंट वेरी चार्मिंग एंड यस उनका नाम है शो में कर्मा क्योंकि कर्मा कॉलिंग की हम बात कर रहे हैं आज अब कर्मा की कोठारी इसकी हर हर एक दुनिया पे नजर रहती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं हर राज वो जान बट देन जब उनसे मिलेंगी तो वो क्या करने वाली हैं उनसे पूछ लेते हैं वेल well, कर्मा वरुण एंड नम्रता वेलकम टू पंजाब केसरी एकदम बढ़िया हूं. Well, uh, आप दोनों से सबसे पहले मैं जानना चाहूं What was that दैट फर्स्ट थिंग दैट केम टू mind when यू बोथ वर अप्रोच ऑल together फॉर द शो आई थिंक अप्रोच साथ में हुए आई थिंक इंडिविजुअली सब कास्ट को लॉक uh -huh. किया गया था लेकिन uh, हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए थे mm. और फिर इवेंचुअली साथ में भी टेस्ट किया mm. और आई uh, थिंक जब हमने साथ में टेस्ट किया वेरी सुन आफ्टर दैट वी गॉट लॉकड फॉर इट तो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग आई मैं औरजिनल शो रिवेंश की बहुत बड़ी फैन oh, रही हूँ तो टू नो के आई एम प्लेइंग द लीड कैरेक्टर इन द इंडियन अडेप्टशन

जिस तरीके से इसे अडाप्ट किया है hmm. क्योंकि दी ओरिजिनल आल्सो आई मीन इज एन इंडियन इट्स कम फ्रॉम तो वो थीम्स आई फील हमारे कल्चर से बहुत सिमिलर है एंड आई फील के आई थिंक व्हेन रुचि सो द शो शी फेल्ट लाइक दिस शुड बी मेड हियर द फैमिली डायनेमिक्स द ड्रामा द थीम ऑफ कर्मा It it it's 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 meant for for the Indian audience, hmm. so she adapted it for India, and I think it's, it's been done in a वेरी कूल इंटरेस्टिंग वे और थोड़ा सा चेंज भी किया गया प्लॉट को मुझे लगता है एग्जैक्टली exactly वो नहीं दिया गया मतलब अगर आपने देखा भी आया yeah, yeah. तो ये देख के आपको अलग ही लगेगा hmm. हाँ. भले ही Uh, क्या हैं एंड पॉइंट सेम है, है? हाँ, हाँ, है हाँ, पर बीच में जो ट्विस्ट इन टर्न्स आए वो मजेदार हो गए अ डिफरेंट मोर कि टू टू कॉपी कॉपी ऐसा ने, नहीं नहीं लगना चाहिए कर वही पूछना भी चाह रही थी रेफरेंसेज भी लिया था

<laughs> नहीं एक्साइटमेंट ज्यादा थी आई थिंक और हम आई uh, थिंक हम दोनों रवीना मैम से लुक टेस्ट में मिले थे हाँ, हाँ. और फिर बहुत सारी रीडिंग्स भी की थी तो बाय द टाइम हम सेट पे थे हम बहुत प्रिपेयर्ड थे कंफर्टेबल थे. थे. हाँ, हाँ. थे क्योंकि शी मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड शी इज वो इंद्राणी कोठारी की तरह नहीं है बिल्कुल शी इज द ऑपोजिट शी इज लाइक हैज दिस अमेजिंग पॉजिटिव ऑरा तो एक्साइटमेंट ही थी स्टार्ट टू एंड एंड वरुण मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि

आई थिंक फॉर मी टू सी कि वो इतनी पैशनेट है आफ्टर है बाद भी शीज स्टिल हंगरी टू री इनवेंट टू डू समज हर सेल्फ तो वो हंगर और वो पैशन अभी भी है उनमें और इट्स नॉट की शी इज ओनली एक्टिंग शी इज ऑल्सो अ मदर शी इज ऑल्सो यू नो डूंग सो मेनी थिंग जगलिंग सो मैनी बॉल्स बट टू गिव एवरी थिंग अंड्रेड परसेंट वो देखने में आई फील वाज इट दैट वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड फॉर यू वरुण आई थिंक फॉर मी शी इज नॉट अ सेल्फिश एक्टर वो सबको साथ लेके चलती Selfless. है yeah. उनका मेन एम ये है कि शो चलना चाहिए Haan. एक सीन चलना चाहिए तो अगर आप एक सीन में फर्क आपका आ रहा है तो तो hmm. वो बोले कि कि नहीं नहीं ऐसे करते तो ऐसे करते काम होगा hmm. वो ये मैंने अच्छा कर लिया तो खराब करो मेक hmm. अच्छा hmm. uh, hmm. आपको हमेशा रहना चाहिए hmm. वाला अगर आपके साथ आई थिंक बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि प्रोजेक्ट काम hmm. करना चाहिए hmm. एक एक्टर अच्छा हो और दूसरा बुरा हो तो दैट मेक्स नो सेंस बिहेव करना चाहिए mm. so, तो तो इंटरव्यू भी किया था वर्चुअली रियलिटी शो right. उसके बाद अचानक से आपने ब्रेक लिया देन यू लाइक केम एज एन एक्टर और जुग जुग जियो में आपने कैमियो किया और भी फिल्मों में किया बट देन एक्टर बनने का ये जो था कि एक्टर बनना है ये कहां से आया आपके अंदर आई थिंक क्योंकि मैं एक एमटीवी गेस्ट था लाइफ हाँ, बहुत कंफर्टेबल हाँ, थी एंड आई वाज जस्ट डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग इन माय नॉर्मल लाइफ मेरे पहले एक्टिंग वर्कशॉप में मैं इंट्रीक्ड हो गया कि यार ये क्या है कब किया था वो मैंने ये आई थिंक कब किया 5 साल हो गए फॉरगेट हां या 5 साल हो गए हाउ लॉन्ग डू यू नो ईच अदर लो वी वी मेट एट द एक्टिंग वर्कशॉप पर कभी बात नहीं हुई पहले मैं इनको मिले प्रॉपर्ली

ये पता लगाया कि ऑडिशन कहाँ होते हैं कैसे होते हैं। जस्ट प्रिपेयर मैर सेल्फ ताकि जब मैं ऑडिशन भी दूं तो मैं अंडर प्रिपेयर ना रहू एंड आई थिंक सही लोगों से मिलना सही लोगों से सजेशन लेना सही वर्कशॉप्स लेना इवेंचुअली के के में। में मुझे जुग जुग में वो कैमियो मिला एंड उसके बाद कर्मा कॉलिंग इन सीधे कर्मा कॉलिंग हुआ सीधे कर्मा <laughs> देखो कर्मा, कर्मा है ना और नम्रता आपको Absolute. कैसे मतलब एक्टिंग का हमने देखा आप गिल्टी माइंड्स में 2022 भी आपके लिए अच्छा ठीक रहा लेकिन 2023 टू थ्री टुक अ जम्प फॉर यू इट डिड आई थिंक मैं जब 16 साल की थी तब से मैं मॉडलिंग कर रही थी mm -hmm. तो ऑलरेडी मैं सॉर्ट sort ऑफ of इस इंडस्ट्री में थी इन सम एस्पेक्ट लेकिन मॉडलिंग करते करते मैं मैं

तो आई हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर ऑडिशन और फिर ऑर्गेनिकली ऑडिशन होने लगे एंड आई फेल्ट कि मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं है ये ऑडिशन में करना क्या है mm -hmm. मतलब एक्ट कैसे करे करे mm -hmm. एक सीन को कैसे अप्रोच करे mm -hmm. तो सेम लाइक वरुण मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप के लिए गई थी आई थिंक अ शॉर्ट दस दिन का वर्कशॉप किया था मैंने एंड इंस्टेंटली आई फेल कि ये तो तो मुझे दिस दिस इज इज व्हाट आई वांट टू डू पेरेंट्स ने कहा था कि डिग्री तो खत्म करना होगा पहले तो मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी वो खत्म किया और फिर फुल ऑन यू नो प्रशन में चली गई वर्कशॉप्स एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप आई वुड डू और फिर इवेंचुअली प्रॉपरली गोइंग टू ऑडिशन गिल्टी माइंड हो गया फिर एंड देन सोन आफ्टर गिल्टी माइंड मुझे कर्मा कॉलिंग मिल वेरी नाइस तो ये कर्मा का ही एक कॉल था आपके लिए yeah. है ना और आप दोनों की पहली बार बातचीत कब हुई थी वैसे सिंस यू मेट इन वन एक्टिंग वर्कशॉप एंड देन हाउ डिड यू स्टार्ट टॉकिंग एक्टिंग आई डोंट थिंक दैट टाइम हमारी बातचीत हुई थी एट ऑल uh, पहली बार जब हमने ऑडिशन किया साथ में कर्मा कॉलिंग के लिए तब भी एक्चुअली हम हेलो हाय हुआ, हुआ था सीन कर लिया और फिर हम चले गए बट प्रॉपली आई थिंक सेट पे क्योंकि इतना ये वाले, वाले सेट वर्कशॉप पे वर्कशॉप पे क्योंकि इसकी वर्कशॉप okay. पे क्योंकि uh, हम दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल uh, प्रेप करना जरूरी था तो और हमारे सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जरूरी था कि हुँ. हम एक दूसरे को समझे हुँ. तो उस प्रोसेस में आई थिंक आई गॉट टू नो वर लॉट बेटर और इंस्टेंटली uh, हमारी दोस्ती हो गई अच्छा आजकल की वैसे जेनजी हो कि जेनवाए हो आप लोग

हमारे हाथ में क्यों क्यों लेना है आई फील अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, हाँ, कभी ना कभी तो उन्हें उनका सजा भुगतना पड़ेगा अगर आपके साथ लेकिन बोल रहा है इतना कम बोल रहा गुस्सा आएगा ऑफकोर्स लेकिन हमारे हाथ में क्यों ले

डर लगता है इंसेक्ट कॉकरोच कोई कुछ भी बटरफ्लाई बटरफ्लाई मैंने बोला मैं तुम्हारा डर कौक, कौक, क्योंकि हम फिल्म सिटी में आउटडोर शूट कर रहे थे रात को तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, होते है, होते हैं बहुत वो जाके कहा से नीचे से उठा के पता लगा कोई सांप ले आए और ऐसे है ना बोले तुम्हारा डर निकाल एग्जैक्टली तो ये क्यूट और सब मतलब इतना भी क्यूट नहीं है <laughs> ये लड़का ध्यान <laughs> से देखिए इस लड़के में <laughs> आज इतने ब्लश कर रहे हैं, लाल लाल एकदम <laughs> <हो> ना नहीं <laughs> <laughs> नहीं अभी भी हो जाएगी वैसे देर इज अ फन सेगमेंट छोटा सा जो मैं आपके साथ लेकर जाऊंगी वेरी सिंपल सॉन्ग्स आई यू एंड टू डोंट वरी फिल्मों

किसी होटल में खाए कोई देख ले ना हमें जब तक गाऊंगी जब तक गेस्ट नहीं करोगे मुझे गाने का शौक है आई नो एम बेसिक कहीं घूम के आए हम चलो uh, इश्क लड़ाए गोविंद रवीना मैम या या गाने सारे रवीना मैम के हैं ये हिंट तो है इज इट समथिंग नंबर नो नो टिक टिक वाली वो सीन नहीं है कोई बात नहीं गेस्ट करवा आराम से टाइम दे दे आई डोंट नो दिस आई नो मूवी ओह गॉड

One point to him, okay. Next इज चलो ये वाला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए लड़की शहर की लड़की हाँ, यार शहर की लड़की ये तो हर लड़की गाती थी I don't know. Nee, the thing is, मैं actually, एक और हिंट दूंगी, बोलो बोलो हैव नॉट वॉच्ड ऑल ऑफ तो आई hmm. आएगा मतलब इसमें तो रवीना का कैमियो था शी वाज ओनली देयर फॉर दिस सॉन्ग

भाई भाई बहन भाई बहन रिश्ता रिश्ता <laughs> आगे से वहां से कैसे जा रहे हैं देखो प्यार मैं? हाँ भाई भाई मैं नहीं हूँ हालांकि उनकी बहन ठीक है भाई बहन हाँ क्या है परिवार रक्षा रक्षा, रक्षा 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 बंधन रक्षक रक्षक

नहीं नहीं यार सुनील शेट्टी थे नहीं बिल्कुल नहीं सुनील शेट्टी भी थे थे भी, भी, भी थे हां ही हैज प्लेड एन इंस्पेक्टर या 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 वाह एवरीथिंग यू नो आई एम टेलिंग यू मुझे तो मूवीज का, का नाम याद नहीं वन वन पॉइंट है भी दोनों का जल्दी कुछ करूं डमशिराज बताओ हाँ। इसका दिल दिल प्यार दिल 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 एक वर्ड है काटना उसको डी एल दिल दिल अजय देवगन इज देयर इन द फिल्म दिल बार? नहीं इट्स अ कल्ट मूवी नहीं नहीं इतना बड़ा हिंट अजय देवगन रवीना टंडन सुनील शेट्टी हाँ, जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार uh, करता था ओह माय गॉड दिलवाले वाले ओफो क्या बात है नाइस देर में बताया लेकिन बता दिया है ना एक और मतलब दो और oh हाँ, दो और रुको ओके okay, इतना गर्मी लग रहा है तो मुझे हाँ मैं कर, मैं है ना <laughs> चलो ये लो जी अरे वाह मूवी ना कितनी बार देखिए लाखों बार क्या बात है तो तीन पॉइंट्स आपके और वन आपका वन है ना भी आपका ओके वन मोर कभी तू छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है कभी तू ना 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 ना, कभी तू पता नहीं पागल लगता है ऐसा ही nah. कुछ उसने तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है ये भी देखिए देखिए ना दिस इज अ वेरी गुड मूवी ओह माय गॉड हिंदू सलमान खान इज देयर ऑपोजिट रवीना बट

इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाओ अब इतना भी क्या इजी इतना इजी है यार ये तो टिप टिप बरसा पानी बोल दो या इसको भी नहीं पता हो होगा बता दो कैमरा दो। जी आपको भी बताओ बता, इसको बता, इसको होगा, बता टि दो टिप टिप बरसा पानी इसको भी नहीं पता होगा सीरियसली ऑफ कोर्स आई नो कौन सी फिल्म है ओ बताओ बताओ मजीद का फिर वाला मजीद का वाला बताओ वो ना नहीं नहीं शी इज एक्टिंग लाइक शी इज उनके अंदर का निकल रहा है हां